और यहाँ पे ये एक पॉइंट है हमारा P, और इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई कंसिडर किए हैं, और पी ए बी को एम वन एम टू रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पी डिवाइड्स ए बी इंटू एम वन इज टू एम टू रेशियो, ये हमारे पास। तो बेटे हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है और y की वैल्यू क्या होती है? जब हमें x निकालना होता है तो मैं दोनों तरीके से लिखूंगा, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। जब हमें y निकालना होगा, अरे एक और, जब हमें y निकालना होगा तो x की जगह सिर्फ y रख देंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा, एम वन वाई टू एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है? ये हमारे पास है। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमें p निकालना है तो हम ऐसे लिख देंगे, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और हमारे पास होगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये हमारे पास रहेगा। होगा क्या, दो तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, पहला क्वेश्चन आपके पास होगा कि आपको रेशो गिवन और आपसे पॉइंट निकलवाए या पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलवाए। सिंपल, जैसा मैं आपसे कह दूं, ऐसे ही सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास ए है टू थ्री, ये हमारे पास बी है फोर फाइव, ये हमारे पास पी है, और ये पी जो है इसको वन इज टू टू की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे कह रहा है पी के कोऑर्डिनेट निकालो, रेशो गिवन है इस क्वेश्चन में, रेशो गिवन है आपसे। सोच लीजिए पॉइंट निकलवा रहा है पी, या ये सोच लीजिए कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकलवा रहा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहे तो आप एक्स वाई अलग करके निकाल लीजिए या डायरेक्ट पी निकालिए एक ही लाइन में, तो हमारा पी क्या होगा, पहले एक्स निकालेंगे, तो एक्स क्या होता है एम वन एक्स टू, वन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, एम टू एक्स वन टू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे टू से, अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो इजी यही होता है, वन इंटू फोर टू इंटू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, वन प्लस टू। फिर हम करेंगे एम वन वाई टू वन इंटू फाइव, ठीक है बेटे? जब एक्स एक्स निकालना है तो एक्स से मल्टीप्लाई, जब वाई निकालना है तो वाई से मल्टीप्लाई। तो वन को फाइव से करो, टू को थ्री से करो, और फिर वही एम वन प्लस एम टू। तो वन इंटू फाइव टू इंटू थ्री अपॉन वन प्लस टू, दैट इज एक लाइन में, अगर आप इसको कैलकुलेट ही कर लेते तो भी आ जाता, तो एक ही लाइन में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वन फोर जा फोर, टू टू जा फोर, फोर प्लस फोर एट, एट अपॉन थ्री, वन फाइव जा फाइव, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, इलेवन बाई थ्री, ये हमारे पास होगा। तो ये क्या था, ये था जब जब हमें रेशो गिवन हो। एक अच्छा क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नहीं सर रेशो गिवन नहीं है, पॉइंट गिवन है या पॉइंट में से एक कोऑर्डिनेट गिवन है। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो हमारे पास ये है पी टू थ्री, ठीक है, और ये हमारे पास है सपोज करो क्यू, ठीक है, फाइव सेवन, और एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, ये हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन ही लेते हैं जिससे के, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने किया भी नहीं है जिसमें रेशो गिवन हो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशो निकालने से, ओ पॉइंट निकालने से अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पॉइंट दिया होता है और हमसे रेशो निकलवाता है।
यस इज अ गुड क्वेश्चन, और इस पे भी दो तीन क्वेश्चन बनेंगे बेटे छोटे छोटे से। एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, प्लीज ध्यान से देखो सब बच्चे। मैंने आपसे कहा था जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा एक फिगर छोटा सा बना लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाई -1, 6 ये हमारे पास है। तो प्लीज नहीं रहने दीजिए, दरवाजा बंद करिए, मक्खी आ रही है, मक्खी ने अच्छा बंद कर दीजिए दरवाजा जी। तो हमारे पास क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये मेरे पास लाइन सेगमेंट हो गया, एक ही लाइन में करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये हमारे पास हो गया सपोज करो ए -3, 10 और ये हमारे पास हो गया बी 6, -8 डिवाइडेड बाई -1, 6। तो ये मेरे पास एक और पॉइंट हो गया पी -1, 6 आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो। अब बच्चे सब देख लीजिए प्लीज ध्यान से जरा, जब रेशियो की बात होती है तो रेशियो होता है m1 m2, तो यहां पहले तो हम m1 m2 ही ले रहे हैं कि भाई ये रेशियो हो गया m1 m2। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है या तो होता है x का या होता है y का। तो यहाँ पे दोनों दिए हुए, कुछ क्वेश्चन में या तो x या y दिया होगा तो जो दिया होगा उसी का लगाएंगे, लेकिन इसमें दोनों दिए हुए तो आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं वो दोनों को कैसे यूज करें। अब अगर हम x का फॉर्मूला यूज करें, प्लीज सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, x इज इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू होता है, चलिए y तो बाद में देखेंगे। तो यहां पे हमारे पास x जो है, सब बच्चे ध्यान से देखिए, x है -1, m1 ही रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई, m2 ही रहेगा -3। तो m1 को 6 से करेंगे m1 × 6 प्लस m2 को -3 से करेंगे m2 - 3 अपॉन m1 + m2। अभी थोड़ा सा सबर करेंगे क्योंकि मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, फिर उसको करना है। तो ये वाला समझ लीजिए, लेकिन पता चले कि m1 m2 क्यों चेंज किया हमने। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 को -1 से, तो माइनस से करेंगे तो m1 माइनस का हो जाएगा, m2 भी माइनस का हो जाएगा, 6m1 हो जाएगा, -3m2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सारे m1 को एक साइड और m2 को एक साइड, तो m2 इधर लाएंगे तो 3m2 ये वाला जो 3m2 है माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो 3m2 -m2 2m2 हो जाएगा। और ये जो माइनस का m1 है, ये माइनस का m1 इधर चला जाएगा, तो 6 पहले से है, प्लस का ये हो गया, तो ये 7m1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, हमें चाहिए m1 / m2, तो 7 को इधर लाओ, m2 को इधर लाओ, तो 2/7 इज इक्वल्स टू m1 / m2। तो ये बेटे हमारे पास रेशियो है 2:7। अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने x का फॉर्मूला यूज किया है, x का फॉर्मूला, लेकिन हम सेम उसमें y का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो जरा y का फॉर्मूला यूज करके देखो y क्या होता है, सेम है m1 / m2 m2 / m1 अपॉन m1 + m2 होता है, लेकिन y हमारे पास यहाँ पे जो है y वो हमारे पास 6 है, हमारा जो y है वो 6 है, तो इस y की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू, अब m1 को y2 से मल्टीप्लाई करो, m2 को y1 से मल्टीप्लाई करो, तो m1 को करेंगे -8 से, तो m1 × -8 प्लस m2 को करो 10 से, तो m2 × 10 अपॉन m1 + m2। तो मल्टीप्लाई करिए 6m1 6m2 -8m1 प्लस 10m2 ये हमारे पास होगा। अगेन m1 एक साइड, ये m1 इधर ले आओ,
और M2 एक साइड, तो 6 प्लस 8 14 M1 और 10 माइनस 6 ये इधर जाके जो होगा 6 M2 इधर जाके माइनस हो जाए, तो 10 माइनस 6 4, तो ये हो गया M1 4 M2, अगेन M1 अपॉन M2, M2 इधर 14 इधर, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू 4 बाई 14, 4 बाई 14 क्या होगा भाई 2 बाई 7, तो ध्यान से देखो इधर भी 2 बाई 7 आया था इधर भी 2 बाई 7, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं ऐसे नहीं करना है, ईजीएस्ट वे क्या है हम इसको ऐसे करेंगे, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो, ये हमारे पास फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये हमसे कह रहा है, आगे उतना तो हम करेंगे करेंगे कि हम अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास हो गया ए माइनस 3 10, ये हमारे पास हो गया बी 6 माइनस 8, ये हमारे पास हो गया पी माइनस 1 6। अब हम क्या कह रहे हैं बेटे, एक्चुअली हमारे पास रेशियो आना है एम वन इज टू एम टू, या ये कहिए एम वन अपॉन एम टू, तो हम क्या करते हैं हम इस पूरे रेशो को ही ना बचे, इस पूरे रेशो को ही हम के मान लेते हैं और अपॉन में ले लेते हैं वन, ठीक है के अपॉन वन, तो ये हम कर लेते हैं, तो हम इस तरह से करेंगे लेट पी डिवाइड्स ए बी इन टू के इज टू वन रेशो, ये इजी रहता है, दो वेरिएबल M1 M2 मानने से अच्छा है हमने क्या किया, हमने कहा कि M2 को इधर ले आए, रेशो में होता ही M1 M2, तो M1 M2 is to 1 कर लिया और M1 M2 को हमने K मान लिया, तो ये K is to 1 हो जाएगा, तो जो K की वैल्यू आएगी वो सीधी आंसर आएगी, तो ये हम कह रहे हैं, तो अगर हमने ये कहा कि P divides AB into K is to 1 रेशो, तो ये हो गया K और ये हो गया 1, तो जो दो वेरिएबल हम सपोज कर रहे थे अब दो की जरूरत नहीं रही, अब एक की ही हो गई, अब इसमें क्या करिए आप चाहे x की वैल्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए चाहे y का, दोनों दिए हुए, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ a की वेरिएबल दिया होगा, तो चलिए मैं x का लगा देता हूँ माइनस वन इज इतना ही लिखना है आपको, वो तो फॉर्मूला भी मैंने आपकी वजह से लिखा था जिससे आपको याद रहे, तो माइनस वन इज इक्वल्स टू, तो x ले रहे हैं तो k को x से मल्टीप्लाई करो, 1 को भी x से मल्टीप्लाई करो अपॉन m1 प्लस m2, तो आप k से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो k इंटू 6 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 से अपॉन के प्लस 1, ये हमारे पास आएगा के प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस के माइनस 1, ये हो जाएगा 6 के माइनस 3, अब हमारे पास क्या होगा 3 को इधर लाओ के को इधर लाओ, तो 3 को इधर लाएंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और के को इधर लाएंगे 6 के प्लस के 7 के हो जाएगा, देखो कितना ईजी आया 2 बाई 7, तो जो K का आंसर है वही रेशो है 2 बाई 7 आया है, तो रेशो हो गया 2:7, तो जब भी आपसे कहे कि रेशो निकालो तो रेशो को K is to 1 ले लेंगे। एक क्वेश्चन और देखो फिर ज्यादा और समझ में आएगा, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है दोनों वेरिएबल ना दिए हों, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अल्लाह आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये रहने दो बस ये ले जाओ, तो अब आप पहले तो फील करो ये क्या हो रहा है फिर मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ, हमारे पास क्या है फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इज डिवाइडेड बाय, एक्चुअली रफ ले रहा हूं तो ये मत कंसीडर करना सर आप ए कहां ले रहे हो बी कहां ले रहे हो, ये बेटे वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और मैं ऐसे ही सपोज कर रहा हूं कि भाई यहां मेरा ए है, ये मेरा ए 1 माइनस 5, ठीक है, और यहां मैं बी ले रहा हूं ऐसे -4 5, वैसे तो मैं इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले सकता था लेकिन मैं ऐसे रफली दिखाना चाह रहा हूँ, उसमें ज्यादा मुझे करना नहीं, और अब आप ये देखो बेटे ये है मेरा ए बी, ये ए बी आपसे कह रहा है कि इसको एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, फाइंड द रेशो
फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो अब आप चेक करो इधर ध्यान से, एक्चुअली एक्स एक्सिस डिवाइड नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट ए बी को। तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये पॉइंट क्या है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए वाई जीरो होता है। तो पॉइंट पी एक्स कॉमा जीरो ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इंटू के इज टू वन रेशियो। ये हम सपोज करते हैं कि भाई ये हमारा जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को के इज टू वन रेशियो, तो इसको के मान सकते हैं, इसको वन मान सकते हैं। ये हमें करना था। तो मैं तो आपसे सीधा वैसे कहूंगा जो हमारा क्वेश्चन था उसे दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि इसी को मैं चेंज करूंगा, आप सब बच्चे इसलिए ध्यान से देखते रहिए। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है बेटे, हमें तो ऐसे ही लेना है, वो तो हमने वैसे ही बना दिया था। हमारे पास एक पॉइंट है 1 माइनस फाइव, एक पॉइंट है माइनस फोर फाइव, आपसे कह रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा एक्स कॉमा जीरो। तो ये हमारे पास पी पॉइंट हो गया एक्स कॉमा जीरो। हम क्या कह रहे हैं कि पी डिवाइड्स ए बी इंटू के इज टू वन रेशियो। तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि भाई एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उस पे वाई जीरो होता है। तो हमने ले लिया एक्स कॉमा जीरो और रेशियो मान लिया के इज टू वन। अब आप प्लीज यहां देखो ध्यान से, आपको रेशियो नहीं मालूम है और पॉइंट भी नहीं मालूम, सिर्फ इतना पता है कि पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है। जैसे उसने x एक्सिस कहा तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो हम सिर्फ y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम x का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, हम y का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, दोनों से हमने निकाला था। अब ऐसा नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ हम y का फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, तो y का लगा दो। तो अब हमारे पास y कितना है यहाँ पे, सर y है जीरो। तो अगर y जीरो है तो m1 y2, k को y से मल्टीप्लाई करो, 1 को y से मल्टीप्लाई करो, तो k को y से मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू फाइव, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस फाइव अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 1 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 5k माइनस 5, 5 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल्स टू 5k, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा k इज इक्वल्स टू 1। तो k इज इक्वल्स टू 1 कहिए या रेशो 1 इज टू 1 कहिए, क्योंकि k इज टू 1 होता है, तो k अगर हमारा 1 है तो रेशो हो गया 1 इज टू 1। तो इस तरह से हमारे पास होता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि भाई हमारे पास इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, आपसे कह सकता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की जगह आपसे कह सकता है वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस कहेगा तो फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए बस इतना सा। पहले तो फील करिए कि हो क्या रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, फिर मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ कि भाई हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सपोज करो ये पॉइंट है a 1 माइनस फाइव यहाँ पे, और ये पॉइंट है b माइनस फोर फाइव, और सर ये लाइन हो गई हमारी ए बी ऐसे। अगर ए बी है और वाई एक्सिस कट कर रही है, तो वाई एक्सिस नहीं कर रही, ये वाला पॉइंट कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट रेशो बना रहा होगा के इज टू वन। लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे,
तो अगर y एक्सिस पे पॉइंट होता है तो आपको पता होना चाहिए x जीरो होता है, x जीरो। तो अब इस बार इस तरह से ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि ये मेरे पास पॉइंट है a, 1-5, ये मेरे पास b है -4, 5, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है जिसको हम y एक्सिस पे ले रहे हैं। अगर y एक्सिस पे ले रहे हैं तो इसका x जीरो होगा, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस p 0y डिवाइड्स ए बी इंटू k:1 रेशो। तो ये रेशो हम फिर भी k:1 लेंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा बेटे, हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है। हमें देखना होता है कि x दिया है, y दिया है, तो इस बार हमें x दिया हुआ है। तो अगर x दिया है तो फॉर्मूला भी x वाला ही लगाएंगे। तो x हो गया 0, तो ये हमारा m1 है, तो m1 को x2 से मल्टीप्लाई, ये हमारा m2 है तो m2 को x1 से मल्टीप्लाई, तो k into minus 4, 1 into 1 upon k plus 1, तो k plus 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, माइनस 4k आ जाएगा प्लस 1, 4k को इधर ले आओ तो 4k is equals to 1, k is equals to 1/4। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास रेशो दिया है तो पॉइंट निकालिए, और अगर पॉइंट दिया है तो रेशो निकालिए। चलिए अब छोटे छोटे से क्वेश्चन रह गए। मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो मैंने बताया था मिड पॉइंट। ये हमारे पास है ए बी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये P पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि वो 1:1 रेशो होता है, तो उसमें m1 m2 की वैल्यू 1 होती है, तो उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा लिखने का m1 m2 को। तो हमारा मिड पॉइंट सीधा सीधा सा हो जाता है x1 प्लस x2 by 2 एंड y1 प्लस y2 by 2। तो इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं कि भाई अगर पॉइंट दिया हो तो रेशो निकालना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड करना, और ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बट ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है। किसी बच्चे का एग्जाम हुआ हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी गया हो, और ज्यादा एक या दो लाइन। If 1, 2, 4, y, axis, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. अब यहाँ जो important चीज़ है कि भाई ये parallelogram है। अब जिस तरह से order में दिया हुआ है उसी order में आपको place करना पड़ेगा, मतलब पहला a, दूसरा b, तीसरा c, ठीक है। तो अच्छा हो अगर आप इसको फिगर पे ड्रॉ कर लें इन पॉइंट्स को, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया parallelogram, इसको मान लीजिए a, और a को हम पॉइंट ले लेते हैं 1, 2, ये ले लीजिए b, b को हम ले लेते हैं 4y, ये हमारे पास हो गया c, c को ले लेते हैं x6, और ये हो गया d, d को ले लेते हैं 3, 5। आपसे कह रहा है कि भाई xy निकालिए, और ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लगेगी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हमने बताया था डिस्टेंस इक्वल होता है, डायगनल्स इक्वल नहीं होता, उसकी जरूरत नहीं है। और छोटा, उससे भी छोटी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपको पता है पैरेललोग्राम में डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ए सी है और ये बी डी है। डायगनल बाइसेक्ट का मतलब क्या है, डायगनल बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। यहाँ लिख दीजिए, इन ए पैरेललोग्राम डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कभी कभी बच्चों से ना, बच्चों के पेरेंट्स से बात करके बहुत अफसोस होता है, और अफसोस ये होता है, इसमें बच्ची हमारी संगे मित्रा भी है और रवि भी हमारा क्लास करता है, कि जो इज्जत और अदब ये बच्चे देते हैं और इनके पेरेंट्स देते हैं, वो इज्जत अदब अपने पेरेंट्स से और अपने बच्चों से नहीं मिलता। मैंने NFC में भी ट्यूशन चलाया है, मैंने गांव में भी पढ़ा है, लिटरली वो आके पैर टच कर लेते हैं।
माँ बाप हाथ जोड़ लेते हैं। जब आप जिस की फीस ले रहे हो उतना पढ़ा रहे हो तो इतना अदब है, और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो तो ऐसा एहसान मानते हैं कि जिसे पूछिए मत। तो एहसान की बात नहीं, लेकिन कम से कम एफर्ट्स को कंसीडर किया जाए। और फिर जब इस तरह के पेरेंट आके इतना दिल दुखाते हैं ना, बहुत अफसोस होता है। फिर दिल करता है कि यार कहीं बाहर ही पढ़ाते, लाजपत नगर साउथ एक्स वगैरह में पढ़ाते ना तो सारी चीज़ें मिलती। तीन तीन चार चार बार एफर्ट्स करके दो चार बच्चों के नंबर लाना, और फिर किसी एक से भी ये सुनना, मूड नहीं है किसी से भी बात करने का, इसीलिए मैंने आप लोग सब लोगों को म्यूट किया हुआ है। क्या पढ़ाने का भी मूड नहीं था, बट इतने दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, दो दिन से। वो पेरेंट्स जो पूरे साल नहीं आते, दो दिन आएंगे और दो दिन में इस हक के साथ आएंगे, जैसा पता नहीं हम कोई फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं, गए गुजरे, उसी अंदाज में बात करेंगे कि हाँ पहली बात तो टीचर की कोई कदर नहीं है, दूसरी बात हम तो वैसे भी टीचर नहीं, हम तो ट्यूटर ही हैं, सिंपल ट्यूशन पढ़ाने वाले, कौन से ज़्यादा बड़ी तोप है। बहुत अफसोस होता है यार, हम क्या सोच के पढ़ा रहे हैं, दूसरा हमें किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है ना, पैरेलोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मेरा मिड पॉइंट है ओ, तो इसका मतलब ये कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट सेम है। अब देखो बेटे क्या क्या हमारे पास है, मैंने अभी आपसे कहा था पहले ए सी को ही कंसिडर करो, ये ए है और ये C है, तो मिड पॉइंट होता है X1 प्लस X2 बाई 2। तो यहाँ 1 है X1 और यहाँ X है, तो मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, तो 1 प्लस X बाई 2, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 प्लस 6 बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ पे तशरीफ? हाँ बस क्लास ले रहा था अभी, कहाँ तशरीफ है? आ जा फिर, मैं भेज रहा हूँ बेटे, आइए माशाल्लाह से, आइए आ जाओ जी, आ जाओ माशाल्लाह जी बेटे। तो आपके पास क्या हुआ, X1 प्लस X2 by 2, Y1 प्लस Y2 by 2, तो आपने AC का मिड पॉइंट लिया, इसी तरह से आपको BD का मिड पॉइंट लेना है। तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 प्लस 3 बाई 2 वाई प्लस 5। अब आप यहाँ देखो, एक्चुअली दोनों तरफ कोऑर्डिनेट हैं, पहला वाला होता है x कोऑर्डिनेट, तो x को x के साथ कंपेयर करो, दूसरा होता है y, तो y को y के साथ कंपेयर कर दिए, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हैं तो कंपेयरिंग। तो 1 प्लस x बाई 2, 4 प्लस 3 7 बाई 2, आप अगर ऐसे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। फिर आप इसको ले लीजिए y को, 2 प्लस 6 बाई 2, तो 8 बाई 2, मैं 2 से कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2 से मैं इधर कैंसिल करना चाहता हूँ, ये आएगा 5 प्लस y बाई 2, तो अगेन 2 से 2 कैंसिल, 5 को माइनस कर दीजिए, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3, तो x हमारा आ गया 6, y हमारा आ गया 3। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है, आपसे पैरेलोग्राम कहेगा, तो पैरेलोग्राम में बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स जिस ऑर्डर में दिए उसी ऑर्डर में आप सपोज करेंगे ए बी सी डी। चलो एक क्वेश्चन और देखो, डायमीटर वाला हो गया था, यस एक क्वेश्चन और देखो ये वाला, तो फिर ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म। मिसलेनियस का हमारे पास दो तीन क्वेश्चन बचेंगे, वो देख लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ बेस्ड ऑन जो मैं आपसे कह रहा हूँ फिगर, कि अगर आप फिगर प्लेस कर दें तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमसे कह रहा है ए बी रेस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज 3 बाई 7 ए बी। तो जैसे गिवन है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है, ये बस ए है, ये हमारे पास बी है, और ए दिया है माइनस 2 माइनस 2, और बी दिया है 2 माइनस 4, और आपसे कह रहा है AP
इज 3/7 ऑफ ए बी, ये में गिवन है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस ए बी को अपॉन में लाओ तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 3/7। तो इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करो यहाँ पी है, यहाँ पे पी, तो ये वाला पार्ट हो गया 3 ए पी, और ये वाला पार्ट ए बी, ए बी वाला पार्ट हो गया 7। तो ये मतलब है इसका, ए पी अपॉन ए बी 3/7। अब सीधी सी बात है, 3/7 से हमें काम नहीं चलेगा, हमें तो जो रेशो चाहिए वो चाहिए ए पी एंड पी बी। तो बेटे जब ए पी अपॉन ए बी 3/7 है तो सीधी सी बात है, अगर ये हमारा 3 है और ये 7 है तो फिर ये वाला पार्ट 4 रह जाएगा, तो हमारा रेशो जाएगा 3:4। तो आप यहाँ लिख दीजिए, सो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू 3/4। तो 3/7 को 3/4 कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास P आएगा, तो P निकाल दीजिए। जब रेशो आ गया तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1x2, इस m1 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, m2x1 इसे यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, 4 2 8 अपॉन m1 + m2, m1y2 3 × -4, 4 × -2 अपॉन 3 + 4। तो ये हो गया क्या, 3 2 6 - 8 - 2/7, और ये कितना हो गया, 3 4 12 और -8 - 20/7। तो इस तरह से हम पॉइंट निकालेंगे अगर हमें रेशो दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बाकी दो क्वेश्चन हम कर चुके थे, पहले 3 क्वेश्चन, डायमीटर वाला, ट्राइसेक्शन और 4 पार्ट वाला। तो एक क्वेश्चन ये है, एप्लीकेशन ऑफ, बेसिकली ये इसका तो क्वेश्चन है नहीं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट दिया यहाँ है, आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। तो वर्टिसेस गिवन है तो रोम्बस की फॉर्म में ही बना लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अगेन ऑर्डर वही रखना है, ए 3 0 हो गया, बी 4 5 हो गया, सी -1 4 हो गया, डी -2 -1 हो गया, ये रोम्बस है। आपसे कह रहा है एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला उसने खुद ही मेंशन कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स। अगर आपको पता है रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू होता है 1/2 d1 × t2, diagonal 1 × diagonal 2। तो डायगनल वन का मतलब लेंथ, कि भाई चलो ये 20 है, ये 16 है, तो यहाँ हम ए सी निकालेंगे, तो ए सी हो जाएगा सर अंडर रूट x2 - x1, तो 3 - - + y2 - y1, तो 3 + 1 4 16, 4 का स्क्वायर 16 16 16 32, 16 2 जा 32, तो 16 हो गया 4√2, ये प्लस। फिर हम बी डी निकाल लेंगे, तो 4 - - + and 5 - - + तो ये हो जाएगा 36 + 36 72, 36 × 2 6√2। तो अब एरिया निकाल दीजिए ए बी सी डी, तो हो जाएगा 1/2 d1 × d2, 4√2 × 6√2, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा 12, √2 × √2 2, 12 2 जा 24, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट जो भी आप कहें। तो ये आपका चैप्टर था, मतलब एक्सरसाइज थी, अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कोशिश कर लीजिए आप सब बच्चे इसको करने की, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।